नेक्स्ट क्वेश्चन uh, 2005 का सवाल है क्वेश्चन से द वर्क फंक्शन फॉर मेटल्स ए बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन द मेटल विच विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर एडिशन ऑफ वेवलैन फोर्टी वन इज स्लैश आर हमारे ऑप्शन है ए ओनली ए एंड बी ओनली ऑल थ्री या फिर नन नाउ सिंपल सवाल है uh, सबसे पहले तो यह है कि आपकी जो सर्फेस है उसके ऊपर जो फोटॉन्स गिर रहे हैं तीन सरफेस दी हुई है आपने को ए बी और सी तो सबसे पहले तो जो फोटॉन्स गिर रहे हैं उनकी लेमडा दी है अपने को वो है फोर्टी वन हंड्रेड एंगस्ट्रॉम तो सबसे पहले तो इसकी एनर्जी देखते हैं तो एनर्जी होएगी आपकी एच सी व लेमडा से हम इसकी एनर्जी निकालेंगे इसको आप लिखेंगे वन टू फोर डबल ज़ीरो डिवाइडेड बाय फोर्टी वन हंड्रेड एंगस्ट्राम एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी सो तो ये एनर्जी बन जाती है लगभग ये आपकी आएगी थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एक्चुअली ये वैल्यू उससे थोड़ी सी ज़्यादा आएगी 3.02 पॉइंट जीरो टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह से आपकी एनर्जी इस रेंज में आती है ना जो आपकी एनर्जी है वो तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है आपके जो वर्क फंक्शन है इस वाले का वर्क फंक्शन दे रखा है 1.92 पॉइंट नाइन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड वाले का वर्क वर्क फंक्शन दिया हुआ है टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थर्ड वाले का दिया है फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ए और बी के केस में तो आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे और इसके केस में कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होएगा तो हैंस ऑप्शन नंबर बी ए एंड बी ओनली वुड बी द राइट आंसर